नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बगिया हार्ट एंड रूट्स में। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। जो दोस्त हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं और मेरा वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज 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 आप जरूर। दोस्तों, आज मैं पर्सलिन के केयर के बारे में बताने जा रही हूँ। इस पे वीडियो है, आप इसको एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसके बारे में मैं बताऊंगी। दोस्तों, इसको नौ बजिया भी बोलते हैं, इसको पर्सलिन भी बोलते हैं, इसको सूरज गुलाब भी बोलते हैं, मैक्सिकन गुलाब के भी नाम से जाना जाता है। और ये इसको मॉस रोज भी बोलते हैं दोस्तों, और इसके बहुत ही नाम हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों, और ये सिर्फ समर में ही ये खिलता है और पूरी फ्लावरिंग, पूरी गर्मी भर ये फ्लावरिंग करता है दोस्तों। मिट्टी के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसको बहुत ही सैंडी सॉइल पसंद है, इसमें नमी नहीं पसंद करता है ये प्लांट। और बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉगी भी नहीं होना चाहिए, हल्की नमी होनी चाहिए जिसमें ये फ्लावरिंग अच्छे से कर सके। और ये सैक्रिन वेराइटी से बिलोंग करता है दोस्तों, और इसमें आप मिट्टी ले लें और एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट, और इसमें बोन मिल और नीम खली मिक्स करके आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और ये एक हफ्ते के अंदर ये रूटिंग पकड़ लेता है और बहुत ही अच्छे से ये ब्लूम करने लगता है दोस्तों। एक चीज़ की जानकारी मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैं ये इस प्लांट को मैं लगाई थी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रहा था, जबकि सभी गार्डनर के गार्डन में ये फ्लावरिंग करने लगा। तो फिर मैंने एक दिन देखा कि जो स्टेम पतली थी वो स्टेम से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, और जो स्टेम इसकी बहुत ही मजबूत हो गई थी, जब बहुत ही अच्छे से डेवलप हो गई तो उसमें से फ्लावरिंग हो रही थी। तो दोस्तों, कोई भी पर्सलिन हो या फॉर्चुलोका हो या तो कोई भी हो प्लांट, जब तक वो पूरा मैच्योर नहीं हो जाता है तो वो फ्लावरिंग नहीं करता है। और दूसरी चीज़, इसमें बार बार हम जो फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र भी उतनी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। आप उसमें कम ही फर्टिलाइज़र दीजिए जितनी इसकी आवश्यकता। इसको फुल सनलाइट में रखिए, जितनी 8-5-6-7 घंटे की इसको धूप चाहिए दोस्तों। लेकिन वाटरिंग की बात करें दोस्तों, वाटरिंग इसको दोनों टाइम दीजिए, लेकिन इतना मत दीजिए कि इसकी मिट्टी गिरी रहे और ये नीचे से इसकी रूट्स, फाइबर रूट्स जो गलने लगे। अब इसमें एक और चीज़ मैंने देखा दोस्तों, कि इसमें मिट्टी अगर इसकी सूख जा रही है तो भी ये सर्वाइव कर जाता है एक दो दिन तक के लिए, क्योंकि इसके स्टेम में, इसके लीव्स में बहुत ही अच्छे पानी स्टोर होते हैं। और दूसरी चीज़, इसकी पत्तियां जब भी इसमें पानी की कमी दे होती है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, और इसमें मतलब अपने आप को ये एकदम डाउन कर देता है, ताकि इसमें इसको पानी की ज़रूरत है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही अच्छे कलर में होता है। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, तो इसको कोई इतनी फर्टिलाइज़र नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसमें बर्मी कंपोस्ट थोड़ापन डाल दीजिए, और इसमें ऑर्गेनिक पोटाश के रूप में आप डाल सकते हैं। इसमें DAP का रोल बहुत ही अच्छा होता है, और तो आप इसमें 4-5 दाने गमले के हिसाब से, आप जैसा भी हो उसमें आप DAP डाल सकते हैं, और नहीं तो हर 15 दिन पे आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए, तो वो भी इसको ज़रूरत पड़ ले लेगा ये। लेकिन दोस्तों, इसको फुल सनलाइट में रखिए, जितनी इसको भरपूर धूप मिलेगी उतनी ही अच्छी ये ब्लूमिंग करेगा। और इसमें थोड़ा इंतज़ार करिए अगर कटिंग लगाते हैं, ताकि इसकी स्टेम मोटी हो जाए। कहते हैं कि मतलब आप एक दूसरे को देख के नहीं समझेंगे तो फिर, इसी तरह प्लांट है दोस्तों। आप प्लांट को भी चाहेंगे कि मैच्योर नहीं हुआ फ्लावरिंग करने, उसमें फर्टिलाइज़र देते रहें तो नहीं दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और इनकी स्टेम को मजबूत होने दीजिए, और ये जब मजबूत हो जाएंगे तो खुद पे खुद अच्छी फ्लावरिंग करने लगेंगे। बार 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 फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं धीरे थोड़ा थोड़ा देख के मैं समझ रही हूँ कि किस तरह से ये आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और कब दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दें। तो इसमें हर 15 दिन, और ऑर्गेनिक
पोटाश दीजिए दोस्तों, ये अच्छा इसका काम करेगा। और इसको फुल सनलाइट में रखिए। बस वाटरिंग का ध्यान दीजिए कि ज़्यादा पानी मत दीजिए। और रेनी सीजन में दोस्तों मतलब ज़्यादा अगर इसका पानी स्टोर होने लगे तो तुरंत इसको हटा दीजिए, नहीं ज़्यादा बारिश की वजह से इसकी स्टेम गलने लगेगी और इसकी रूट्स भी गलने लगेगी, तो ये फिर धीरे धीरे मर जाए। एक बार हम लोग अपने गार्डन में अगर इसको ऐड कर लेते हैं तो ये लंबे समय तक हमारे साथ चलते रहते हैं दोस्तों। विंटर में इन लोगों का डोरमेंसी पीरियड होता है, कोई नहीं इन लोगों को किसी अच्छे सी जगह पर रख दें ताकि ये सर्वाइव कर जाए। और मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट